एक नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि अब पुरुषों के लिंग छोटे हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं और लड़के धीरे धीरे नपुंसकता की ओर बढ़ रहे हैं। इस समस्या की वजह से महिलाओं को इन पुरुषों के साथ संबंध बनाने के दौरान संतुष्टि भी नहीं मिलती। बहुत सारे ऐसे भी केस सामने आए हैं जहां अगर ऐसे पुरुषों से बच्चे पैदा भी होते हैं तो वो विकृत जननांगों के साथ पैदा हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस हैरान कर देने वाली स्टडी में और क्या कुछ खुलासा हुआ है। प्रदूषण की वजह से साल 2019 में भारत में 17 लाख लोगों की मौत हुई थी, जबकि हर साल दुनिया में करीब 42 लाख लोगों की मौत होती है। माउंट सिनाई हॉस्पिटल में एनवायरमेंटल मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ की प्रोफेसर डॉक्टर सन्ना स्वान के मुताबिक सिर्फ लिंग का आकार ही छोटा नहीं हो रहा बल्कि इंसान की प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ रहा है। डॉक्टर स्वान ने कहा कि ये इंसानों के लिए अस्तित्व संबंधी एक संकट है। उन्होंने बताया कि स्टडी में एक ऐसे खतरनाक रसायन की पहचान हुई है जो इंसानों की प्रजनन क्षमता को कम कर रहा है। इसके साथ ही इसकी वजह से लिंग छोटे और सिकुड़ रहे हैं, बच्चे विकृत जननांगों के साथ पैदा हो रहे हैं। डॉक्टर स्वान ने जिस रसायन को खतरनाक बताया है उसका नाम है कैथेलेट्स। इस केमिकल का उपयोग प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। इसका असर इंसान के एंड्रोक्राइन सिस्टम पर पड़ता है। इंसानों में हार्मोन्स एंड्रोक्राइन सिस्टम के जरिए ही निकलता है। प्रजनन संबंधी हार्मोन्स का स्राव भी इसी सिस्टम से होता है। इसके साथ ही जननांगों को विकसित करने वाले हार्मोन्स भी इसी सिस्टम के निर्देश पर निकलते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर स्वान ने बताया है कि प्रदूषण की वजह से पिछले कुछ सालों में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके लिंग का आकार छोटा हो रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है काउंटडाउन। किताब में आधुनिक दुनिया में पुरुषों के घटते स्पर्म, महिलाओं और पुरुषों के जननांगों में आ रहे विकास संबंधी बदलाव और इंसानी नस्ल के खत्म होने की बात कही गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर स्वान ने कैथेलेट्स सिंड्रोम की जांच सबसे पहले तब शुरू की जब उन्हें पुरुष चूहों के लिंग में अंतर दिखाई दिया। उन्हें दिखाई दिया सिर्फ लिंग ही नहीं बल्कि मादा चूहों के भ्रूण पर भी इसका असर पड़ रहा है। उनके जननांग छोटे हो रहे हैं। तब उन्होंने फैसला किया कि वो इंसानों पर भी इसका अध्ययन करेंगे और फिर उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। कैथेलेट्स रसायन का उपयोग प्लास्टिक बनाने के काम आता है। यह रसायन इसके अलावा खिलौनों और खानों के जरिए इंसानों के शरीर में पहुंचता है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2017 में भी एक स्टडी आई थी जिसमें दावा किया गया था कि पश्चिमी देशों में पुरुषों के स्पर्म काउंट में 50% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 4 दशकों में इस तरह की 185 स्टडीज हो चुकी हैं जिनमें 45,000 स्वस्थ पुरुषों को शामिल किया गया था। उनके स्पर्म काउंट में हर दशक के बाद कमी दर्ज की गई। डॉक्टर स्वान कहती हैं कि अगर इसी तरह से प्रजनन दर कम होती रही तो दुनिया में मौजूद ज्यादातर पुरुष साल 2045 तक पर्याप्त स्पर्म काउंट पैदा करने की क्षमता खो देंगे, यानी कि नपुंसकता की ओर बढ़ जाएंगे। डॉक्टर स्वान की बातों से आप कितना सहमत हैं? क्या आप भी ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं जिसका इस स्टडी में खुलासा किया गया है? अगर ऐसा है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यह भी बता सकते हैं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।